जब पेशेंट आते हैं ना तो बहुत मतलब अपने आप बेहाल हाल में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, एंग्शियस होते हैं। एंड पेशेंट थोड़ा सा ठीक होता है ना कुछ देर के लिए, 15 दिन के लिए नशा छोड़ता है ना, तो फैमिली को ऐसा चाह चढ़ जाता है कि फैमिली 7 आसमान पे ऊपर चढ़ जाती है, और फिर फैमिली पेशेंट के पीछे पीछे लग जाती है और हमारी बात सुननी बंद कर देती है। अच्छा, नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट के पेशेंट ने अगर 15 दिन 1 महीना नशा भी किया तो कोई ऐसी कुछ चेंज नहीं आई, बीमारी स्टिल देयर, लेकिन फैमिली उस टाइम पे हमारी बात नहीं मानती और इतनी खुशी में इन्वॉल्व हो जाती है कि वो हमारा अपने आप में इतना हाई और हमसे ही दूर हो जाती है, क्योंकि हम कह रहे होते हैं बी कॉशियस, अभी कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फैमिली मानती नहीं है उस टाइम पे। अच्छा, कुछ दिनों के बाद एज रूटीन आर पेशेंट ने फिर दोबारा से नशा किया, तो नशा करके वो गिर गया, जो ओवरडोज हो गया, जो कुछ हो गया, जो साइकोटिक बिहेवियर आ गया, जो उसने तोड़फोड़ कर दी, तो फिर फैमिली पता है वैसा नहीं गिरती, ऐसे धड़म करके गिरती है कि बिल्कुल जान ही निकल गई है। मतलब पेशेंट गिरा एक और चीज़ है, अब फैमिली इतना गिरी है नीचे कि फैमिली को संभालना पॉसिबल नहीं है, एंड फैमिली पेशेंट के किसी काम नहीं आ रही। मतलब अगर पेशेंट 5% ऊपर गया ना तो फैमिली 10% ऊपर, अगर पेशेंट 5% नीचे आया तो फैमिली बिल्कुल धड़ाम करके फर्श पे गिर गई है और फैमिली बेहोश पड़ी है, अनकॉन्शियस पड़ी है। अब हम फैमिली को समझा रहे हैं कि भई मैंने अब कुछ नहीं करना, मेरी ताकत ख़त्म हो गई है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर लिया है, मैं ऐसे ही इसमें लगी हुई हूँ, अब मैं तो बस ख़त्म ही हो जाऊँ तो अच्छा है, इससे पहले मैं चले जाऊँ, ये अब जहाँ जाता है जाए जाए। मतलब देखो, फैमिलीज दो रुख इस तरह के पोलैरिटीज में जा रही हैं कि इन्हें बाइपोलर भी नहीं जाते, जिन्हें साड़ियाँ फैमिलीज दोनों पीक तो दोनों ट्रफ नीचे जाती हैं। एंड इससे करके असी फैमिलीज़ नू कह रहे हैं कि जो तुसी कदी फैमिलीज़ के पिछे लग गए, कदी अपने पेशेंट के पिछे लग गई, कदी फिर जो पेशेंट ने डिजास्टर किया तो फिर फटाफट आप भजे आए हॉस्पिटल के बच्चे, तो इतने आके असी कहता खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, मैं भी खत्म। फिर असी वो कहने कि तुसी जे इन्ने थक गए हो, नहीं आई डोंट वॉन्ट टू टेक इट, भी तुसी थके हो रैसट कर लो, 2 दिन रैसट कर लो, तुहानू इन्ना अटैच होने वास्ते किन्ने किया सीगा, तुहानू उदों भी डिटैच होना चाहिए सी जो साडा पेशेंट नहीं नशा कर रहा सीगा, तुहानू अज भी डिटैच होना चाहिए जो साडा पेशेंट रिलैप्स हो गया, उन्हें नशा कर लिया। असी दोनों ही स्टेजिज दे विच फैमिलीज़ जिहड़े आ वो अपना ही एक सफ़र तैर कर रही होंदियां। फैमिलीज़ आंदियां ना, दे आर वेरी कंप्लायंट, जो कहोगे करांगे, जो कहोगे करांगे, एंड वो कंप्लायंट उपरों उपरों कंप्लायंट है सारी, पर जिहड़ी उन्हां दी बॉडी लैंग्वेज है, जिहड़ी उन्हां दे आईज़ एक्सप्रैशन है, जिहड़ा उन्हां दी इंप्रैशन हैगे है, जां जिहड़ा साडे वल देखण दा नज़रिया, वो सारा ये शो कर रहा कि ट्रस्ट कोई नहीं है, जीरो ट्रस्ट है, गल नहीं कोई मन्नी, साडी गल मन्नी नहीं जाती। उस वेले किदी गल मान रहे होंगे पेशेंट की, क्योंकि पेशेंट ने 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना नशा छड्डिया होंदा, तो फैमिली लगता शायद असी सब कुछ पा लिया, असी उदों कह रहे होंगे कुछ भी नहीं है, ऐ तो कुछ भी नहीं है। बट फैमिलीज़ नू जदों रियलाइज़ हुंदा है कि उन्हें हुण दोबारा तो सब कुछ कर लिया जिहड़ा कि उन्हें करना सीगा, जिहड़ा उस च कोई कसूर नहीं है, उस च पेशेंट का कोई कसूर नहीं है, एंड फैमिलीज़ फिर अपने मूड नू संभाल ही नहीं सकदियां, एंड फैमिलीज़ अपने मूड तो इन्नियां ज़्यादा तंग हुंदियां कि कुछ इहो जिहे लफ्ज़ बोलदियां जिहड़ियां कि फैमिलीज़ को नहीं एक्सपैक्टेड हुंदा। एंड फिर असीं दोबारा उस वेले फैमिलीज़ नू कहने आ भी हुण इन्ना महीना छड्डो, चलो छुट्टी लै लो, एग्जॉस्ट हो गए हो, मैं पता तुसी बीमार हो गए हो, मैं पता तुसी इस वेले डिप्रैस हो, तुसी जो कह रहे हो तुसी मीन नहीं करते, हुण तुसी ये भी ना छड्डो कि डिसओन कर दिओ, करना भी नहीं डिसओन, पर कहना है डिसओन, एंड कहना कितों, आवाज़ कितों आ रही है उन्होंने डिप्रैस मूड चो। एंड फैमिलीज़ की अपनी फ्लक्चुएशन इन्नी है कि साडे कोल वो फेज ही नहीं आता जिथे फैमिली साडे नाल कंप्लायंट हो सकन, एंड एक कोई एक बार नहीं सर्कल हुंदा, मैं देखिया यह सर्कल चली जाता चली जाता चली जाता, ज्यों ज्यों पेशेंट उपर थले हो जाता उस तरह ही फैमिलीज़ इस तरह करी जांदियां। फैमिलीज़ ने 5-10 बारी इस तरह करना होंदा कि असी हुण छड्डिया होया जी इन्हें, हुण देखो इन्हें कदी कीता नहीं, हुण तो इन्हें कदी मूँह भी नहीं लाया, हुण तो इस चीज़ से ड्रग टैसट कराओ जी, लियाओ सानू ड्रग टैसट दिखाओ जी, किस वास्ते,
क्यों दिखाओगे ड्रग टेस्ट? व्हाट यू हैव टू डू विद द ड्रग टेस्ट? दिखाओ जी ये लिवर फंक्शन टेस्ट चेक कराओ, फिर क्यों कराओ? असी लिवर फंक्शन टेस्ट इस वास्ते नहीं कराते कि तुहानू दसीए, असी ड्रग टेस्ट इस करके नहीं करा रहे कि तुहाडे वास्ते होण, क्योंकि तुहाडा एक बार ड्रग टेस्ट नैगेटिव आ गया तो तुसी सत असमाना ते उड्डन लग पैना, एंड एक बार जे कि ड्रग टेस्ट नैगेटिव आ गया तो तुसी ऐसा जमीन पर डिगना कि साडी रेंज तो बाहर हो जाना। इहदा मतलब है कि अनलैस अनटिल फैमिलीज ये रियलाइज़ करनगियां कि उन्होंने अपनी कंसिस्टेंट जर्नी चली जाना तो अपने मूड्स का ध्यान रखना, क्योंकि फैमिलीज़ का अपना मूड ही उन्हों का सब तो डेंजरस एनिमी होएगा, पेशेंट नहीं। मैं फिर एक गल कर लगा, फैमिलीज़ का सब तो ज़्यादा डेंजरस एनिमी कौन है? उन्हों का अपना मूड जिहड़ा कि कित्थे बैठा होया, उन्हों के अपने दिमाग दे विच। इहदा मतलब साढ़े पेशेंट वास्ते सब तो खतरनाक जे कोई चीज़ हैगी है तो वह बाहर का माहौल नहीं हैगा, वह साढ़े पेशेंट की फैमिली दे ब्रेन दे विच बैठे उहदा मूड का इशू है, जिहड़ा कि हो सकता स्टार्ट उत्थों होया होए, प्रेसिपिटेट उत्थों होया होए जदों साडा पेशेंट सिक होया। पर अज दे दिन च असीं तुहानूं कहिंदे आ कि तुसीं अपने मूड नूं संभालना सिखो। अच्छा, जदों तुहाडा मूड ठीक रहेगा ना ते तुहाडे मूड नूं ठीक देख के साडे पेशेंट नूं एक प्रेरिता मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी कि जे इहनां ने अपने मूड नूं संभालना सीख लिया तो मैं भी इहनां कोलों सीख लां भी मूड नूं किस तरह संभालीदा। सो यू कैन बिकम ए रोल मॉडल रादर दैन कि जिहड़ा सारा जोर है वो तुहाडे ते ही लग जावे तो साडे पेशेंट वास्ते बचे ही कुछ ना।